हर हर महादेव दोस्तों, सभी को नमस्कार। रामनवमी के उपलक्ष्य में हमने रावण के बारे में लिखा था। आजकल लोग रावण को जलाते हैं और अपने अंदर के रावण को तो बिल्कुल नहीं जलाते, पर रावण क्या था और क्यों था और कैसा था, उसके गुणों का थोड़ा सा बस मैंने इस पोएम में डाला है, इस कविता में डाला है, आप सुने। रावण शीर्षक। ये कथा है उस सूरवीर की जिसने थी जिम्मेदारियाँ निभाई, अपनों को कराया था भवसागर पार। हाँ हाँ, वो रावण था। सभी को भगवान के सामने ला दिया। भगवान के दर्शन इतने सुलभ नहीं थे कि सभी को दर्शन मिले, पर उसने सबको दर्शन कराए। 10 सिरों वाला कपटी, क्रोधी और मायावी, पर रावण ने अपना राजधर्म निभाया था, इसीलिए खुद संग अपने जैसों को भी बैकुंठ लाया था। उसने अपने जैसों को सिर पर उठाया था, उनके ही गुणों का विस्तार कराया था। देखिए, उसकी योद्धा जो थे सब गलत थे, सब असुर थे। उनको उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, ये हैं, ऐसे है वैसे, उसी को बढ़ा के अपने साथ रखा और उनको वैकुंठ लाया भगवान के हाथों से मरवा करके। ना किया निराश उन्हें, ना किंचित मात्र भयभीत किया, ना ही उनके ही गुणों से उनका उत्थान किया। वहाँ पर रण ऐसा चल रहा था कि रोज़ बड़े बड़े योद्धा मर रहे थे, फिर भी कोई भी योद्धा निराश होकर के डर के लड़ने नहीं आ रहा था। ये सिर्फ एक राजा कर सकता, अच्छा राजा। रण ऐसा दिया जिसमें भगवान ने स्वयं उसका उद्धार किया था। वो ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ, उसका उसने प्रमाण दिया, करा दिया सबको प्रभु के दर्शन, सबको प्रभु के हाथों उतार दिया। तभी प्रभु के परम भक्त ने भी उनको सम्मान दिया। हनुमान जी ने लंका जलाई पूरी, पर उसका ना सर्वनाश किया। प्रभु ने भी उसके अंतिम क्षण में खुद का विस्तार किया। उनकी दुखी आत्मा को प्रभु दर्शन का सुखद मनोरम एहसास दिया। अपने परम प्रिय भाई को भी उनके चरणों में वार दिया। तभी खड़े हुए स्वयं शेषनाग भी उनके चरणों में के पास, जिनके ऊपर सकल जगत पालक विराजमान। लिया उन्होंने उनसे विनयपूर्वक राजनीति का ज्ञान। था वो महान, हाँ था वो महान। खुद को करे आप भी इतना तैयार, खुद तो हो भव सागर पार, अपने जैसों का भी ना छोड़े हाथ। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। हम भी अपने दोस्तों और लोगों में कमियां ढूंढ के उन्हें छोड़ देते हैं, तो आप उनके अंदर की कमियों के साथ उनका अगर विकास करें और उनके साथ बने रहें आखिरी तक, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता अपने लोगों के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।